नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के पास कोई कैडर तो है नहीं, उम्मीदवार स्वयं चुनाव लड़ता है और इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में एक निराशा का वातावरण बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब केवल कमलनाथ तक ही सीमित रह गई है। कांग्रेस पार्टी जो है उनके पास कोई कैडर तो है नहीं, उम्मीदवार स्वयं चुनाव लड़ता है और उम्मीदवार अपने प्रयास से जो कर ले कर ले। और इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में एक निराशा का वातावरण है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कमलनाथ जी तक सीमित हो गई है। बाकी सभी नेता, चाहे वो अरुण यादव जी हों, चाहे आपके अजय सिंह जी, राहुल भैया हो, चाहे जो भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सबको एक तरफ कर दिया गया है। और चाहे वो लीडर अपोजिशन हो तो कमलनाथ जी हैं, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कमलनाथ जी हैं, तो कमलनाथ जी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है। तो बाकी कांग्रेस एक तरफ अलग थलग पड़ी हुई है और इसलिए कांग्रेस में जो उनका चुनावी प्रबंधन है वो भी नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, जो कैडर होना चाहिए वो कैडर कांग्रेस के पास है नहीं। तीसरा, उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई मुद्दे हैं और ना कोई नेता है। तो राजनीति में ये चीजें आवश्यक होती है। एक तरफ जहां माननीय स्वराज जी एक दिन में 5-5 सभाएं कर रहे हैं, कई जगह रात्रि विश्राम वो करेंगे, वहीं पर दिन में एक सभा कमलनाथ जी की कब से होगी पता नहीं, पर एक सभा होगी। तो प्रचार प्रसार में, सोशल मीडिया में, हर क्षेत्र में, उपलब्धियों के मामले में, विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण है और इसलिए चारों सीटों पर हम अच्छी बढ़त से चुनाव